नमस्कार दोस्तों, 2021 सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 2021 में हरिद्वार में भव्य कुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसके स्नान की तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं और तिथियों की घोषणा के बाद काम में तेजी देखने को मिल रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कौन सी तारीख को पड़ रहा है शाही स्नान। कुंभ मेले का पहला पर्व स्नान 14 जनवरी 2021 को होगा, जबकि पहला शाही स्नान 11 मार्च को है। हरिद्वार कुंभ में 4 शाही स्नान और 6 पर्व स्नान होंगे। पहला स्नान 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर रहा है। 11 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन दूसरा स्नान होगा। 16 फरवरी को बसंत पंचमी का स्नान होगा। 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाएंगे। फिर 13 अप्रैल को नव संवत्सर और 21 अप्रैल को रामनवमी पर्व का स्नान होगा। अब बताते हैं शाही स्नान। 2021 के हरिद्वार कुंभ का पहला शाही स्नान 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन होगा। इसके अलावा 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या, 14 अप्रैल को बैसाखी और 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा पर शाही स्नान होगा। तो चलिए अब आपको कुंभ से जुड़ी प्राचीन मान्यता बताते हैं। कुंभ के संबंध में समुद्र मंथन की कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार महर्षि दुर्वासा के शाप की वजह से स्वर्ग श्रीहीन यानी स्वर्ग से ऐश्वर्य धन वैभव खत्म हो गया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, अमृत पान से सभी देवता अमर हो जाएंगे। देवताओं ने ये बात असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। इस मंथन में वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया था। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। इन रत्नों में कालकूट विष, कामधेनु, उच्चै श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, महालक्ष्मी, वारुणी देवी, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख। भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। जब अमृत कलश निकला तो सभी देवता और असुर उसका पान करना चाहते थे। अमृत के लिए देवताओं और दानवों में युद्ध होने लगा। इस दौरान कलश से अमृत की बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। ये युद्ध 12 वर्षों तक चला था, इसीलिए इन चारों स्थानों पर हर 12-12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला लगता है। इस मेले में सभी अखाड़ों के साधु संत और सभी श्रद्धालु यहाँ की पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।